Pakistani terrorist belonging to Lashkar-e-Taiba outfit, who was tasked with reviving militancy in certain areas of the Kashmir Valley, was arrested from Baramulla district of Jammu and Kashmir. Mohammad Waqar Awan, a resident of Mohalla Miana in Mianwali area of Punjab in Pakistan, was arrested earlier this week and paraded before the media on Wednesday at the police control room. Awan, known by alias of Chota Dujana, told reporters that before he joined militancy, he was told that atrocities were being committed on the people of Kashmir by security forces, but he saw no such thing in the valley. अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा ठीक है जी मिठाई खाइए साथ में अपना इंट्रोडक्शन खुद दे बोलो अपना नाम बोलो अपना नाम क्या मेरा नाम मोहम्मद वकार है पाकिस्तान का रहने वाला हूँ मियांवाली शहर मियाना मोहल्ला नई आबादी लश्कर तैयबा से मेरा ताल्लुक है उम्र 27 साल आप सामने देखो आवाज़ खुल जाएगी 2017 चार महीने की मुजफ्फराबाद जी ये कहा गया था कि यहाँ पे बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है औरतों के साथ गलत किया जाता है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी पढ़ने देते मुसलमानों को मुसलमानों के घर गिराते हैं ज्यादती करते हैं क्या देखा आपने ऐसा पाया आपने नहीं ऐसा पास इन्वेस्टिगेशन बाद में करेंगे ठीक है आप बताएंगे डिटेल जी नहीं किसी अटैक में वेट करो चलो ठीक है मैं अभी लिखूंगा डिटेल्स डिटेल प्रेस ब्रीफिंग में आपको दे दूंगा सब प्रेस पे ठीक है क्योंकि एक दिन ये जो आपने अभी देखा इसका नाम है मोहम्मद वकार आवान कोर्ट छोटा दुजाना रेजिडेंट ऑफ मियाना मोहल्ला मियांवाली पंजाब पाकिस्तान 2017 जुलाई में यहाँ पे आया है क्रॉस करके एंड ही वाज एक्टिव इन हंगवारा एरिया आफ्टर दैट ही वेंट टू श्रीनगर और पिछले पौने दस साल से ये श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेट कर रहा था विद इन श्रीनगर सिटी एंड ऑन परसों जब ये यहाँ से जा रहा था वापस टुवर्ड्स बारामूला की तरफ तो नाके में ये दो लोग थे जब वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी ने नाके को रोका तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने गाड़ी वहाँ पे जो चौकी अफसर था उसकी रक्षक पे मार दी और भाग गया वहाँ पे अल्टीमेटली दे चेज देम तो इन्हें आगे कोई 1.5 किलोमीटर जाकर जो अंदर गांव का रास्ता था बीच वाला वहाँ गाड़ी छोड़ दी तो पैदल भागे पानी के बीच में से तो लड़कों ने इनको चेज करके बड़ी मुश्किल से इसको ओवर पार कर लिया था बाद में पता चला कि ये पाकिस्तानी है और जो उसके साथ दूसरा कश्मीरी ड्राइवर था इज़ अ लोकल कश्मीरी पर्सन दैट्स ऑल अभी तक इतनी चली है इन्वेस्टिगेशन तो जो भी इसमें डिटेल्स आएंगे वो विल शेयर करेंगे